हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एसएससीटी यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोदी मंत्रिमंडल जुलाई अपडेट 2023, जो हमारे न्यू में है। और इसमें कम से कम आपको 5 नंबर तो पक्के मिल रहे हैं, लिख के मैं दे रहा हूँ। या नहीं तो चैनल सब्सक्राइब मार देना, मिले तो भी सब्सक्राइब मार देना, नहीं मिले तो भी सब्सक्राइब मार देना, दोनों तरफ से सब्सक्राइब पड़ जाना चाहिए। और जो लाल कलर का बटन है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, तब भी बता देना, मेरा काम है। जो नीचे लाल कलर का बटन है इस साइड में, तो उसको जाके आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें। और जो उसी के जस्ट थोड़ा सा बगल में आपको लाइक का बटन देख रहा होगा, उसको भी दबा दें अगर वीडियो अच्छी लगे। क्योंकि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आपको ये थंबनेल में आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे पहले क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है, हमने आपको पिक्चर भी प्रोवाइड करवाई है, जैसे कि आपको एक मतलब फीलिंग आती रहे। ठीक है, और पता भी चलते रहे कि कौन सा कौन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के गृह और सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं अमित शाह, जैसे कि आपको फोटो में दिख रहे हैं। ठीक है, ये भारत के गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। नेक्स्ट कि भारत के वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री कौन है? ये है हमारी, कौन है जल्दी बताओ, ये है हमारी ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये निर्मला सीतारमण वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की भी मंत्री हैं। नेक्स्ट, भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? ये है हमारी स्मृति ईरानी। ठीक है, ये महिला बाल विकास मंत्री के अलावा ये अल्पसंख्यक मामलों की भी मंत्री हैं, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, क्वेश्चन सिक्स है कि भारत के नए रेल मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन डी, वैष्णव अश्वनी वैष्णव। ठीक है, अश्वनी वैष्णव, जैसे कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन है कि भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र सिंह तोमर, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भी है, मतलब कृषि के भी और किसान कल्याण मंत्री के भी, मतलब दोनों के ये यही संभालते हैं, क्या नाम है इनका, नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट कि भारत के नए कानून एवं अन्य मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं हमारे ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है जो भाविश, सॉरी ऑप्शन डी इसका रॉन्ग है, ये इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, ये रॉन्ग हो जाएगा अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए। ये भी रॉन्ग है और ये तो मैंने है ही, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है। तो आप इस पे जहाँ अर्जुन राम मेघवाल लिखा है उस पर आप राइट मार दीजिएगा। नेक्स्ट कि भारत के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन डी, किरेन रिजिजू। ये पृथ्वी के विज्ञान मंत्री बने हैं नए। ठीक है, और इसकी मैंने आपको फोटो भी दिखा रखी है कि कौन है, ये है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, जैसे कि आपको ये नए मंत्री बने हैं इसकी मैंने फोटो भी आपको प्रोवाइड कर रखी है, क्योंकि आपको आसानी होगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो ये है ऑप्शन डी, मनसुख मंडाविया। ठीक है, मनसुख मंडाविया भारत के वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नेक्स्ट है कि वर्तमान में परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री कौन है? तो ये हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नरेंद्र मोदी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कार्मिक और लोक साहित्य और पेशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतर्राष्ट्रीय विभाग और सभी महत्वपूर्ण नीति मुद्दे, नीतिगत मुद्दे और सभी अन्य विभागों का प्रभाव है। ठीक है, ये जितने भी हैं जो मैंने आपको यहाँ से बताए हैं, ये सारे प्रभाग यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे प्रभाग नरेंद्र मोदी जी संभालते हैं। और ये जो फैसिलिटी और किसी भी मंत्री के पास नहीं है सिवाय नरेंद्र मोदी जी के पास। ठीक है, और अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि काल में कि लोकसभा और पेशेंस और ये क्या नाम है, पेशन और परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतर्राष्ट्रीय विभाग, सभी में इनका अगर नाम आपको कभी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि ये कौन संभालता है, ठीक है, कौन सा मंत्री संभालता है, तो आपके ऑप्शंस में अगर नरेंद्र मोदी जी हैं तो उसको आप फटाक से टिक मार दीजिए, वो आपका एकदम सही नंबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको एक नंबर मिल जाएगा उससे। तो बढ़ते हैं हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के देश का प्रधानमंत्री कौन है? वो है हमारे नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन सी, मतलब नितिन गडकरी, और मैंने आपको इनकी पिक भी दिखा रखी है। नेक्स्ट है कि भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन डी, अर्जुन मुंडा बने हैं। ठीक है, ये रेपी कौन की। और नेक्स्ट है कि भारत के अब वाणिज्य, उद्योग, कपड़ा और उपभोक्ता मामले, खगान और सार्वजनिक वितरण, ये जो जितने भी मामले मैंने आपको बताए हैं, ये सारे मामले कौन सा मंत्री संभालते हैं? ये संभालते हैं ऑप्शन डी, पीयूष गोयल। ठीक है, और ये रही उनकी फोटो के साथ, ये जितने भी मामले हैं ये हमारे पीयूष गोयल मंत्री संभालते हैं। ठीक है, और अगर आपको कभी ये इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन में आ भी सकता है, तो आप इसको ध्यान रखें ये मामलों को। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है एक बार। और नेक्स्ट है कि भारत के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है? ये है ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, ऑप्शन ए को राइट मार दीजिए आप मेरी तरफ से। नेक्स्ट है भारत के संसदीय कार्यों गोयल एवं खान मंत्री कौन है? ये है ऑप्शन बी, मतलब प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट है भारत के समक्ष लघु मध्यम उद्यम मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन सी, नारायण राणे। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? ये बने हैं हमारे ऑप्शन ए, गिरिराज सिंह। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के नए स्थापित इस्पात एवं नागरिकता उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, इनकी मैंने आपको फोटो भी दिखा दी है, ये नए बने हैं। और नेक्स्ट है कि भारत के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अश्विनी वैश्व। भारत के जहाजरानी और जलमार्ग एवं आयुष मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सर्वानंद सोनोवाल। नेक्स्ट, ये भारत के खाग एवं प्रशासन एवं उद्योग मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन ए, पशुपति पारस। नेक्स्ट, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? ये हैं हमारे ऑप्शंस का राइट आंसर है
ऑप्शन डी गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट, भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इनकी पिक भी मैंने आपको दिखा रखी है, ऑप्शन सी पे आप टिक मार दीजिए। नेक्स्ट, भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? ये हैं हमारे ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री हैं कौन है? तो ये हैं ऑप्शन डी मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट, भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन बी भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट, भारत के विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन 13 का आंसर है ए राजकुमार सिंह। नेक्स्ट, भारत के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन सी, कौन बने हैं? महेंद्र नाथ पांडे। नेक्स्ट है जी, भारत के डेयरी पशुपालन एवं और मत्स्य पालन मंत्री कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पुरुषोत्तम रूपाला। नेक्स्ट, भारत के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? तो ये है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जी किशन रेड्डी। भारत के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री बने हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, भारत के सूचना प्रशासन एवं खेल मंत्री कौन है? ये स्पोर्ट्स वाला क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। अब बताओ कि भारत का वर्तमान का राष्ट्रपति कौन है? वो है द्रौपदी मुर्मू। इनकी फोटो मैंने आपको यहाँ दिखा रखी है, ये रही। ठीक है, जो प्रधानमंत्री के संख्या हैं, ये प्रधानमंत्री हैं भारत के वर्तमान के पीएम। नेक्स्ट, संघेल मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इस पर आपको हमारी न्यू वीडियोस की अपडेट पहले से मिलती रहेगी, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लें, जिससे कि आपको हम ऐसी टेक्निकल वीडियोस हो गई और मैथमेटिक के क्वेश्चंस हो गए जो हम उस पर सॉल्व कर करके डालते रहते हैं, पर अभी फिलहाल हमने बंद करके रखा है। जब आप हमारे फॉलोवर्स बढ़ते रहेंगे तो हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे हम लाइक गेम रखते हैं 50 का, मतलब 500 का, 50 तो बहुत कम हो जाएंगे, 500 का लाइक हम रखते हैं। इसको आप जल्दी से कंप्लीट करवाइए, तब तक हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।